नो लॉन्गर अलाउड के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड एपिसोड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 1 में हमारा जो मेन कैरेक्टर है डाजा है, वो अपनी प्रेमिका यानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साचा के साथ डबल सुसाइड का अटेम्प्ट करता है और उस दौरान वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात अनित्य नाम की एक प्रीस्टेस से होती है। वो उसके स्टैट्स वगैरह चेक करती है और उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है और उसको पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर डाजा है उसके सारे लेवल 1 है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ये बात देखते हुए डाजा जो है पैलेस को छोड़ के बाहर निकलता है मरने की कोशिश में कि उसको जाके एट द एंड मरना ही है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक किलर ट्री के पास तामा से होती है, जिसमें किलर ट्री को ख़त्म करने के बाद वो तामा से उसका मतलब अच्छा खासा बॉन्डिंग होता है और तामा उसके साथ उसकी जर्नी पे साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। तब जाके वो दोनों के दोनों अनित्य के पास जाते हैं और तीनों के तीनों जो हैं जर्नी पे निकलते हैं डाजा की, जिसमें वो एडमिट करता है कि वो साचा को ढूंढने का इस वर्ल्ड में और साचा के साथ अपना जो है आगे का जर्नी कंटिन्यू करेगा, अपना आगे का जीवन कंटिन्यू करेगा और एट द एंड जाके अपना जो पुराना प्लान था डबल सुसाइड करने के साचा के साथ वो उसको कंटिन्यू करेगा और साचा को ढूंढ के यहाँ पे उसके साथ डबल सुसाइड फिर से अटेम्प्ट करेगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में डाजा जिस कॉफिन में सो रहा होता है वही एपिसोड में हमें दिखाया जाता है और उस कॉफिन को अनित्य और तामा दोनों के दोनों खींच रहे होते हैं। कुछ देर बाद इरिटेट होकर तामा जो है कॉफिन की तरफ देखते हुए चिल्लाती है कि तुम बेवकूफ़ यहाँ पे कब तक सोते रहोगे, उठ के अपने पैरों से चलते क्यों नहीं हो। तो वहाँ से कॉफिन से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, जिसको सोच के जिसको देख के अनित्य और तामा दोनों के दोनों सोचते हैं कि कहीं ये नबट तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। तो अनित्य जो है डाजा का स्टेटस चेक करती है, तो स्टेटस चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि लेवल 3 में वो है, यानी कि अभी वो जिंदा है। उसका स्टेटस में वो कहीं से कहीं तक भी मरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो उसको बोलती है कि नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, वो ओके है। तो तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डाजा जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो कॉफिन में सो रहा है फूलों और चादरों के बीच जो भी है, तो वो साचा के बारे में सोच रहा होता है कि उसके साथ जब वो मिल जाएगा, जब उसके साथ वो मिलेगा इस वर्ल्ड में उसको ढूंढ लेगा तो उसके साथ अपना डबल सुसाइड कंटिन्यू करेगा। तभी वो देखते हैं कि वो एक कैपिटल पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम कासल टाउन ऑफ रॉथ होता है। वहां पे पहुंचने के बाद वो डाजाई को उठाते हैं दोनों के दोनों, और डाजाई उठ के देखता है कि कैपिटल ऑफ रॉथ उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी अनित्य जो है डाजाई को बताती है कि तुम्हें जो है हमें किंग से मिलवाना होगा ताकि जो है वो तुम्हें यहाँ पे रहने का अप्रूवल दे सकें। तभी वो यहाँ से अपना जो कॉफिन है वो छोड़ के चले जाते हैं तीनों के तीनों, और वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं वो कॉफिन को देख के सोचते हैं कि हमें अब इस कॉफिन का क्या करें। इतना देखते हुए हमें सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों जो है किंग के पास पहुंच गए हैं और किंग और उसकी बेटी वहाँ पे खड़ी होती हैं। प्रिंसेस का नाम जो होता है प्रिंसेस शार्लेट होता है और किंग का नाम किंग थॉमस होता है, जो कि कासल टाउन ऑफ रॉथ के किंग होते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो उनको ग्रीटिंग्स देते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वगैरह वगैरह, और वहीं पे इनको देख के क्योंकि वहाँ जो कि दूसरी दुनिया से आया है एक हीरो के रूप में, तो उसको देख के किंग जो है काफ़ी खुश होता है और वो उसको कहता है कि मुझे जो है ट्रैवलर्स की जो है स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्ट है कि आप अपने देश में अपनी दुनिया में किस तरह से जीते थे वगैरह वगैरह। ये बात देखते हुए डाजा उसको बताता है कि मैं तुम्हें स्टोरी सुना सकता हूँ कि कॉफिन में सोने में कैसा लगता है। ये बात सुन के किंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सोचता है कि क्या ये मुझे थ्रेटन कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि अनित्य जो है टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है और बोलती है कि प्रिंसेस काफ़ी सुंदर हैं, प्रिंसेस शार्लेट काफ़ी सुंदर हैं और बड़ी भी हो गई हैं। तभी किंग कहता है कि प्रिंसेस शार्लेट की हम शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है नेक्स्ट किंग जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूं, उतना काम नहीं कर पाता हूं। तभी वो दो जनों को अंदर बुलाता है और वहां पे हम देखते हैं कि दो अलग अलग लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं, जिनमें से एक का नाम गोमेज होता है जो कि एक वॉरियर होता है और दूसरे का नाम जो कि एक म्यूजिशियन जैसा कुछ होता है, तो वहाँ पे वो एंट्री करता है जिसका नाम ओटो होता है। इतना देखते हुए किंग जो है डाजा से पूछता है कि आप बताइए इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, मतलब इनके लिए क्या सूटेबल रहेगा वो मुझे आप बताइए। तो उसी टाइम पे डाजा इनको बोलता है कि मैं किसी भी लड़की का जो है कहते हैं ये फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि इसके लिए कौन सा लड़का अच्छा रहेगा, जब तक कि उस लड़की की खुद की इच्छा ना हो कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। कि आपने उस लड़की से यानी कि प्रिंसेस शार्लेट से पूछा है, आपको अपनी बेटी का ही नहीं पता, तो आप किंग कैसे बन अपना किंगडम कैसे चलाते हैं, तो मेरी नज़र में आप कोई खास अच्छे किंग है नहीं। ये बात बोल के दादा वहाँ से चला जाता है और किंग जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है सुन के कि यार कि किंग हूँ मैं और मेरे को कोई बंदा ऐसे सुना के चला गया। तभी ये बात देखते हैं कि बैंड ना बज जाए, अनित्य और तामा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉरी करते हैं कि सॉरी वो अदर वर्ल्ड से आया है तो उसको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है, तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए करके। तभी किंग देखता है कि हाँ चलो अब वो बाहर से आया है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो जो है इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात का अंधेरा हो चुका है और सोने का टाइम हो गया है। किंग ने जो है इन तीनों को एक अलग से रूम दिया है कि आप यहाँ पर आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, तो अगले दिन हम जो है मिलेंगे आपको जैसे भी करके। तो तभी लेटे हुए जो हमारा जो मेन कैरेक्टर डाजा है उससे अनित्य यानी कि प्रीस्टेस पूछती है कि यार एक बार बताओ कि ये साचा कौन है जिसके बारे में तुमने एपिसोड 1 में मेरे से बात करी थी। तभी इस बात को देखते हुए हमें एक वहाँ पे पूंछ दिखाई देती है जो कि तामा की पूंछ होती है। तामा भी इस बात में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है कि साचा एक्चुअल में है कौन। तभी इस बात को से चिढ़कर कि तामा वहाँ पे क्या कर रही है करके वो चादर रटती है डाजा के पास से, और वो देखती है कि तामा जो है
दादा की गोद पे लेटी हुई है, सो रही होती है, आराम कर रही होती है। इस बात को देखते हुए एनेते जो है तामा को बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं है, तुम किसी आदमी की गोद पे ऐसे लेटी हुई हो, ऐसे ऐसे करके। तो तामा उसको बहुत लाइटली लेती है कि यार क्या है, क्या मुसीबत है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और ऐसे ऐसे करके ये सब उनका कैटफाइट देखते हुए डाजाय जो है वहाँ से चला जाता है। ऑडिटोरियम में थोड़ा सा चलने के बाद, या कॉरिडोर में थोड़ा सा चलने के बाद, वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंसेस शार्लेट खड़ी होती है। वहाँ प्रिंसेस शार्लेट से वो मिलता है, और तो वो प्रिंसेस शार्लेट उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डाजाय उसको जवाब देता है कि ये जो बाहर का व्यूज़ है, ये जो झील है, ये काफ़ी सुंदर है, ये काफ़ी अच्छा व्यू है। तो प्रिंसेस शार्लेट उससे अग्री करती है। डाजाय उसको बोलता है कि जो ये झील है, मेरा तो मन कर रहा है कि इसी में डूब के मर जाऊँ, अगर इसमें डूब के मर जाऊँ तो कितनी अच्छी मौत मिलेगी, और ये होकर के। तो प्रिंसेस उससे थोड़ा सा डर जाती है। तभी वो बोलती है कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो, कि जब देखो हर वक्त मरने की ही बात करते रहते हो। तो डाजाय उससे अग्री करता है कि मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मेरे पास तो चलो बहुत सारे रीजन है, तुम्हारे पास जो सब कुछ है तो तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तब प्रिंसेस उसको एक्सप्लेन करती है कि यार ऐसा है कि मैं जो हूँ ना तो गोमेज़ को चूज़ कर पा रही हूँ ना ऑटो को, मैं उनमें कन्फ्यूज़ हूँ कि किसको चूज़ करूँ मेरे। तो डाजाय उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वो चूज़ करना चाहिए, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इस बात को सोचते हुए प्रिंसेस उस पर काफ़ी विचार करती है। तभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि स्वागत वगैरह करते हुए जो है प्रिंसेस के सामने डाजाय और ऑटो और गोमेज वगैरह ये सारे खड़े होते हैं, और किंग जो है वहाँ पे एडमिट करता है, एक्सप्लेन करता है कि भैया आज जो है वो दिन है जहाँ पे स्वयंवर टाइप का वो दिन है, जिसमें जो है प्रिंसेस जो है अपना वर चुनेगी, अपना जो है पति चुनेगी कि वो किसको बनाना चाहती है। तभी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि प्रिंसेस जो है किसको, ऑटो या गोमेज में से किसको जो है अपना वर या पति या फिर हस्बैंड अपना स्वीकार करेगी। किंग अपनी बेटी प्रिंसेस को, प्रिंसेस शार्लेट को कहता है कि जाओ आगे जाओ, और जिस भी लड़के को तुम पसंद करती हो उसका हाथ पकड़ लो और हमें बता दो, और ये फाइनल हो जाएगा। प्रिंसेस शार्लेट वहाँ से थोड़ी देर के लिए चलती है, और चलने के बाद वो गोमेज़ और ऑटो दोनों को इग्नोर करते हुए डाजाय के पास पहुँचती है, और डाजाय को अपना हस्बैंड स्वीकार करती है कि मैं इनसे आगे चल के शादी करना चाहूँगी, और इनके साथ ही डबल सुसाइड में इनका साथ देना चाहूँगी, और इनके साथ ही जीना और मरना चाहूँगी। ऐसे करके सब लोग हैरान हो चुके होते हैं, और एनेटे तो ये बात सुन के बेहोश ही हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद हम देखते हैं कि वो रीज़न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो बोलती है कि ऑटो जो है वो सिर्फ अपने सॉन्ग्स जो है मुझे सुनाना चाहता था, इस वजह से वो हमेशा जो है मेरे को अपने सॉन्ग सुनाता है, और जो अपना संगीत जो है मेरे आसपास गुनगुनाता रहता है ताकि वो अपना लेटेस्ट सॉन्ग किसी ना किसी को सुना सके। दूसरी बात, वो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है। दूसरी बात, जो गोमेज़ है वो थोड़ा सा स्मेल करता है, इस वजह से मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इतना बात सुन के गोमेज़ जो है, जो कि एक वॉरियर है, वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि तुमने क्या बोला कि मैं स्मेल करता हूँ, ऐसा करके कि हाँ। तो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत, तो इतना करके वो चिढ़ जाता है और अपना हेलमेट वेलमेट उतार के फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा आर्मर उतरने के बाद गोमेज़ जो है वो एक ह्यूमन ना होके एक वॉरियर जो है, एक बुल जैसा कुछ है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है और डीमन लॉर्ड की आर्मी का जो है मतलब प्यादा होता है। तभी वो एक्सप्लेन करता है कि मेरा नाम जो है गोमेज़ है, मैं जो है ऐसे ऐसे करके हूँ, और डीमन लॉर्ड की आर्मी का फलाना फलाना कुछ हूँ, और वहाँ पे जो है मैं चाह रहा था कि इस राज्य का, स्टेट का जो है किंग बनके मैं इस पे राज करूँ, और बिना किसी टेंशन के जो है मेरा जो है सारे काम हो जाए, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया है तो अब ये तुम सारे के सारे मरोगे। तब इतना सब कुछ देखते हुए तामा जो है उसको एक किक मारती है, एक पंच मारती है, और तभी हम देखते हैं कि तामा जो है लेवल 14 लेवल 17 की जो है एक वॉरियर है, एक फाइटर है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए ऑटो जो है अपना एक म्यूज़िक जो है गुनगुनाता है, और हम सोचते हैं कि उससे कुछ तो होगा, तामा को क्या कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेंगे ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपना लेटेस्ट सॉन्ग जो है वहाँ पे गुनगुना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तामा के पास और कोई चॉइस ना होते हुए तामा जो है उससे कुछ और देर और लड़ती है, कुछ किक्स वगैरह मारती है, कैट पंच, कैट फाइट, कैट किक, ऐसे करके कुछ मारती है। तभी जो डाजाय है, डाजाय प्रिंसेस का हाथ पकड़े हुए उस बुल को या फिर उस मॉन्स्टर को बुलाता है कि प्यारी काओ, प्यारी गाय, प्लीज इधर आइए, और जो है आप अगर सबको मारना ही चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो है स्टार्ट हमसे करें और हमें पहले मार दें, क्योंकि हमें तो पहले मरना ही। तो तभी वो बोलता है कि तुम्हें तो मैं मार ही दूंगा, तुम्हारे बाद में यहाँ पे इस किंग को, इस के जितने भी ये चमचे हैं इन सबको, और इस पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगा। डाजाय उसको बोलता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी मर चुके होंगे तो हमें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्यारी काओ, आप जो है हमें मार दीजिए, और हमारा जो है यहाँ पे डबल सुसाइड का जो हमारा प्लान है उसको पूरा कर दीजिए, और हमें जो है रेस्ट इन पीस की मतलब उपलब्धि प्राप्त हो जाए और ज़्यादा अच्छा हो जाए। इतना देखने के बाद जो है जो वो बुल होता है, जो गोमेज़ होता है, वो बहुत ही गुस्से में पूरा रेडी हो जाता है बैटल फॉर्म में, और क्या कहते हैं गोमेज़ जो है मारने के लिए रेडी हो जाता है डाजाय और प्रिंसेस को, वो उनकी तरफ दौड़ता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफ़ी घबरा जाती है, और वो कहती है कि मैं अभी नहीं मर सकती, बिकॉज ऑफ मुझे तो अभी इस राज्य का काफ़ी कुछ मतलब इंप्रूवमेंट करना है, भला करना है, ऐसे कर। ये बात सुन के डाजाय एग्री करता है कि अच्छा तो तुम रियलिटी में ये चाहती थी, तो अभी तो तुम्हें काफ़ी सारा भला करना है, तो तुम जो है फिट नहीं बैठती हो मेरे साथ डबल सुसाइड करने के लिए या फिर मेरी पार्टनर बनने के लिए। इतना करके डाजाय जो है प्रिंसेस को धक्का दे देता है और सामने आके खड़ा हो जाता है। सामने आके खड़े होने के बाद हम देखते हैं कि गोमेज़ जो है अब
प्रिंसेस शार्लेट की जगह पे डाजाई की तरफ जो है जोर से बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि अनिटे को होश आता है और अनिटे खड़ी होकर एक लाइट शील्ड का यूज़ करती है। लाइट शील्ड का यूज़ करते ही वहाँ पे कुछ शील्ड्स आ जाती हैं जिसकी वजह से गोमेज़ के जो सींग होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी वहाँ पे तामा आती है और कोई बहुत जोर की किक मारती है जिसकी वजह से वो दीवार तोड़ के कासल से बाहर गिरता है नदी में। इतना सब कुछ देखने के बाद हम देखते हैं कि वो कुछ थैंक यू वगैरह वहाँ पे होता है और थैंक यू वगैरह करने के बाद फाइनली जाके हम देखते हैं कि अगले ही सीन में किंग जो है अपनी बेटी शार्लेट को वहाँ की क्वीन बना देता है और क्वीन शार्लेट वो वहाँ पे हो जाती है। 16 साल की बच्ची जो है वहाँ पे क्वीन बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे खुश होते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शामा, अनेटे और दाजाए तीनों के तीनों जो है अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा सा मौसम होता है और दाजाए वापस अपने कॉफिन में जाकर आराम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तामा जो है थोड़ी सी टेंशन में होती है कि क्या इतनी 16 साल की बच्ची प्रिंस शार्लेट जो है पूरा किंगडम चला पाएगी ऐसे करके। तभी दाजाए जो है कॉफिन के अंदर से जवाब देता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ कि सुसाइड करने वाली, डबल सुसाइड करने वाली जो लड़कियाँ होती है वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो लड़कियाँ भी काफ़ी सुंदर होती हैं, इक्वली सुंदर होती हैं जो कि अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। तभी तामा उसको कहती है दाजाए को कि अगर तुम तुम्हें अपने पैरों पे खड़ी होने वाली लड़कियां पसंद है तो तुम भी अपने पैरों पे खड़े हो और खुद चलो, और मतलब हमारा क्यों सरदर्द कर रखा है, यहाँ पे इतनी चढ़ाई है, तुम अपने दोनों पैरों पे खुद क्यों नहीं चलते हो। इतना करके मौसम अच्छा बता के डाटा वहीं का वहीं सो जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नो लॉन्गर आउट इन अदर वर्ल्ड के थर्ड एपिसोड।